दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज ये चूजों का 12वां दिन हो गया, 12 डेज कंप्लीट हो गया, और इसके लिए हमें वैक्सीनेशन करना पड़ता है ताकि बहुत सारी बीमारियों से ये बचा के रखें। ठीक है, तो आज हम गैमरों का वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं, और देखिए इसके लिए हमने तैयारियां पूरी कर ली चुकी हैं। ड्रिंकिंग बोतल ऑलरेडी खाली किया जा चुका है और क्लीन हो चुका है। ये देखिए, क्लीन इसलिए जरूरी है कि सबसे ज़्यादा पॉल्टी मैनेजमेंट में हम क्लीननेस पे ध्यान देते हैं, तो इसको हम क्लीन कर लिए हैं। सारे बोटल्स को हम क्लीन कर लिए हैं, और आपको हम दिखाते हैं हमारा वैक्सीनेशन का बोतल भी आ गया है। ये है हमारा वैक्सीनेशन का बोतल। ठीक है, ये 1000 चिक्स पे एक बोतल लगता है, और इसके साथ मिक्सिंग करने के लिए वाटर भी है, और इसको हम फिर बकेट में मिक्स करेंगे, और 2000 के लिए, दूसरे 1000 के लिए ये दूसरा बोतल है ना। तो ये हम हमारे टोटल 2000 चिक्स के लिए दो बोतल वैक्सीनेशन का हम मिक्स करेंगे, और इसको मिक्सअप करने के लिए, जैसे हम जानते हैं नॉर्मल इंजेक्शन के लिए भी हम वाटर मिक्स करते हैं, और फिर इसको मिक्स करने के बाद से, पाउडर और वाटर को मिक्स करने के बाद से पूरी तरह से, फिर हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में इसको मिक्स करते हैं। वाटर की क्वांटिटी इतना ही होना चाहिए जितना के हमारे चिक्स या चूजे 1 से 2 घंटे के अंदर पी जाएं। तो ये हमने करीब 20 लीटर वाटर रखा है, और ये 20 लीटर वाटर को हम 20 लीटर पानी को हम पूरे 20 डब्बे में, ड्रिंकिंग बॉटल्स में डालेंगे, जो कि वैक्सीनेशन कंप्लीट मिक्स रहेगा। अब हमारा दवा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसको हम वाटर बोतल में मिक्स कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 10-10 लीटर का हमने बकेट तैयार किया है। एक में 10 लीटर में एक सीसी डाल देते हैं, और दूसरे 10 लीटर में एक सीसी डालते हैं, टोटल 20 लीटर का हो गया, और इसको हम 20 ड्रिंकिंग बोतल में, 20 ड्रिंकिंग बोतल में फिल करेंगे, जो कि हमारे चिक्स 1 से 2 घंटे के बीच पी जाएंगे। हम कम वाटर में इसलिए मिक्स करते हैं ताकि जल्द से जल्द इस दवा को, इस वैक्सीन को बच्चे यूज कर लें, और क्योंकि ज़्यादा वक्त तक अगर पानी में हम मेडिसिन को या वैक्सीन को रखते हैं तो उसकी एफिशिएंसी लेवल कम हो जाता है, उसकी असर करने का ताकत जो है वो कम हो जाता है ना। तो ये हमारे फर्स्ट वैक्सीनेशन का दिन है, जिसके वजह से हमारे देख सकते हैं चिक्स कितने स्वस्थ हैं, कितने हेल्दी हैं, और ये काफ़ी अच्छे से खा पी रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, फिर से दोहराना चाहेंगे, पहले 6 दिन पे हमने रानीखेत के किया था, और आज 12 दिन हो गया, 12वां दिन पे हम, 12 डेज पे हम गैमरों का कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन, मेडिकेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर और फीड और प्रॉपर पोल्ट्री मैनेजमेंट का रिजल्ट ही है, इसका देन ही है कि आज हमारे बच्चों का FCR बहुत ही अच्छा है। आज 12 दिन पे हमारे बच्चे चिक्स अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स के हो चुके हैं, मतलब हर चिक्स करीब करीब एवरेज इनका प्रति चिक्स 300 ग्राम का हो चुका है। तो आप तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सही मैनेजमेंट पॉलिटी का कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा FCR अच्छा मिलेगा। FCR का मतलब ये होता है कि आप जो फीड जो हम देते हैं बच्चों को, और उसके हिसाब से जो वजन आता है उसको हम FCR कहते हैं। ठीक है,
तो दवा रेडी होने के बाद से, वैक्सीनेशन रेडी होने के बाद से, अब हम इस वाटर को, इस मेडिसिन मिक्स वाटर को, वैक्सीन मिक्स वाटर को ड्रिंकिंग बोतल में डाल रहे हैं। फीड कन्वर्शन रेटियो मतलब कितना फीड इनटेक आपका चिक्स ने किया और कितना हिसाब से मीट दिया। और दोस्त ये जो पोल्ट्री बिजनेस है ये एफसीआर के ऊपर ही डिपेंड है। एफसीआर अगर आपका खराब होगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है, आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो आपको ट्राई करके रखना है कि एफसीआर को जितना हो सके कम करके रखना। तो दोस्त मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपको मैनेजमेंट करना है, जो आपको सोल्यूशन देना है, जाके आपका एफसीआर जो है थोड़ा सा ठीक हो। सबसे पहले